हाय एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आप अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूज नहीं करते, तो उसके लिए आपको बार बार बैंक या फिर एटीएम में जाना पड़ता है। तो गाइज, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अर्थ यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना होगा। मोबाइल स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा ऑल बैंक बैलेंस चेक। जैसे ही टाइप करेंगे, आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और आपको ऑल बैंक बैलेंस चेक इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, इसकी रेटिंग 4.1 है, 5 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो गाइज, मैंने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, देन उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। गाइज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। गाइज, अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो देन उसके लिए आपको बैंक बैलेंस पे क्लिक करना होगा और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, मेरा एक्सिस बैंक है तो मैं एक्सिस बैंक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपको बैंक बैलेंस टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, मिनी स्टेटमेंट नंबर मिल जाएगा और कस्टमर केयर नंबर मिल जाएंगे। तो गाइज, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बैंकों के नाम देखने को मिल जाएंगे। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है वो बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा जिससे आप बड़ी आसानी से आप अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जिस भी बैंक का आईएफएससी कोड देखना है, उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है और आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी सिटी से आपको देखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सारा एड्रेस और उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बैंक में कब कितने दिन तक छुट्टी रहेगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टेट बाय। आप जिस भी स्टेट, जिस भी सिटी से, उस सिटी को सेलेक्ट कर लेना है तो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भी रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अब आपको अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको बार बार बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको एटीएम भी जाना। आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस टोल फ्री नंबर की मदद से आप अपना बैंक बैलेंस बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।